नमस्कार दोस्तों वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल आगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड प्रोग्रामिंग जो ओ इज़ अ है इस फिलोसफी जो ओ ओ पी यूज होती है डिजाइनिंग फेज में होती है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जो ओ ओ पी है इज अ डिज़ाइन फिलासफी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओ ओ पी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है यूजेस अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देन ओल्ड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जो ओ पी में जो पुरानी लैंग्वेज के इस, आ, अलावा जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं जो पुरानी लैंग्वेज़ कौन सी थी इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी बहुत हव सी और पास्कल के अलावा इसमें नई लैंग्वेज़ यूज़ होती हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एस आर पी स्टैंड फॉर एस आर पी की फुल फॉर्म पूछी है तो so, एसआरपी की फुल फॉर्म है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओसीपी स्टैंड फॉर जो ओसीपी की फुल फॉर्म पूछी है वो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओपन क्लोज प्रिंसिपल नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एल एस पी स्टैंड फॉर जो एल एस पी की फुल फॉर्म है वो है लिस्कोव सब्सिट्यूशन प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डी आई पी स्टैंड फॉर जो डी आई पी है इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिपेंडेंसी इनवर्जन प्रिंसिपल तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर डी आई पी स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इनवर्जन प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आईएसपी स्टैंड फॉर जो आई एस पी की फुल फॉर्म है वो है इंटरफेस सेग्रेडन प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओ ओपी वॉज प्रैक्टिस्ड इन द जो ओओ पी था का प्रैक्टिस किया गया था पहले वो किया गया था उन्नीस सौ में नाइनटीन एटीज़ में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये प्रैक्टिस की गई थी नाइनटीन एटीज में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डी ओ एस फाइल नेम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू जो डॉस फाइल के नाम है वो कितने करेक्टर तक रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओ एलई स्टैंड फॉर जो ओ एलई की फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच शोज द नेम ऑफ द फाइल जो फाइल का नेम बताती है वो बताती है टाइटल बार इनमें से तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मीनू बार में सारे मेनू के ऑप्शन रहते हैं जैसे फाइल एडिट इंसर्ट वगैरह और स्टैंडर्ड टूल बार में जैसे जो डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे बोल्ड इटैलिक और करेक्टर के साथ कोई भी जो फंक्शन होते हैं वो सारे रहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओपन प्रिंट एट सेव डिस्प्लेज ऑन जो ओपन प्रिंट और सेव की जो ऑप्शन आती है वो कहाँ पर आती है ये आती है स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ़ॉन्ट टाइप फ़ॉन्ट साइज वोल्ड अंडरलाइन बुलेट अलाइनमेंट डिस्प्ले ऑन ये कहाँ पर दिखती है ये दिखती है फॉर्मेटिंग टूल बार पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ परीक्षा ऐप पर हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम जैसे एच पी जी आई टी बैंक एच पी जैसे एग्जाम के लिए आप यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज देख सकते हैं और आप एच पी के लिए भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके टुडे जीके 50 का कूपन कोड लगाकर इंस्टेंट 50 परसेंट डिस्काउंट ले सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रेजेंटेशन मेड ऑन जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है वो किसमें बनाई जाती है वो बनाई जाती है एम एस पावर पॉइंट्स जो क्वेश्चन है वो है स्लाइड्स प्रिपेयर ऑन जो स्लाइड है वो कहाँ पे बनती है प्रेजेंटेशन के एक पेज को जो है स्लाइड कहा जाता है तो ये भी जो है एम एस पावर पॉइंट पे बनती है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ डी बी एम एस जो डी बी एम एस की फुल फॉर्म पूछी है वो क्या है वो है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर डी बी एम एस की जो फुल फॉर्म है ये पूछिए आपसे तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पी 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 स्टैंड फॉर जो ट्रिपल पी है उसका क्या मतलब है इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यू आर एल इज जो यू आर एल है वो क्या है इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो यू आर एल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एस ए एन एन की जो फुल फॉर्म है वो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी है तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोबोल इज जो कोबोल है लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म क्या है इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिम मींस एस आई एम जो है इसका क्या मतलब है इसका जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केबल टीवी नेटवर्क इज एग्जांपल ऑफ जो केबल टीवी नेटवर्क है वो किसका एग्जांपल है जो केबल टीवी जो नेटवर्क है वो है मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना तो रही होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू